हेलो बच्चों, आज की ईशी क्लास में हम करने जा रहे हैं मोदी केयर फाउंडेशन से मिली वर्कबुक का पेज नंबर 39, जिसका हमारा टॉपिक है क्रॉसवर्ड पजल। तो आप देखेंगे यहाँ पे एक पज़ल दी गई है और यहाँ पे एक हिंट बॉक्स है। आपको इन वर्ड्स की मदद से ये पज़ल को कंप्लीट करना है। तो पहले हम सारे वर्ड्स पढ़ते हैं। बैट, आंट, टैप, पेन, वन। तो आप इसे इस तरीके से कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे क्या है, बी, और लास्ट में क्या आ रहा है, टी। तो आप देखिए पहला कौन सा हमारा वर्ड है जिसके स्टार्टिंग में बी है और लास्ट में टी है। आप देखिए यहाँ पे बैट है, इसका मतलब यहाँ क्या आएगा, बीच में ए आएगा। तो ये वर्ड बन गया हमारा बी ए टी, बैट। और यहाँ पे भी क्या दिया गया है, बी ए टी, बैट, इसका मतलब ये कंप्लीट हो गया। फिर है, ऐसा कौन सा वर्ड है जिसकी स्टार्टिंग में ए और लास्ट में टी है। तो आप देखिए यहाँ ये सेकेंड पे ये आंट, तो बीच में क्या आएगा हमारा, एन, ए एन टी, आंट। उसके बाद ऐसा कौन सा वर्ड है जिसकी स्टार्टिंग में टी और लास्ट में पी हो, तो आप देखिए ये रहा टैप, इसका मतलब बीच में क्या आएगा, ए, टी ए पी, टैप। तो ये भी हमारा कंप्लीट हो गया। और फिर हमारा वर्ड देखिए यहाँ स्टार्ट, यहाँ पे लास्ट का वर्ड तो दे नहीं रखा, ये दो बॉक्स खाली हैं, और मगर ये लास्ट में देखिए यहाँ पे ओ और लास्ट में ई है। तो हम पहले इसको कर लेते हैं, इसको बाद में करेंगे। यहाँ ओ है और लास्ट में ई है, तो कौन हमारे इस वर्ड में देखिए, वन में स्टार्टिंग में ओ और लास्ट में ई और बीच में क्या है, एन। तो ये हो गया वन। अब आप देखिए आपको यहाँ सिर्फ एक खाली बचा है, तो आपको पी और एन से ख़त्म होने वाला वर्ड देखना है। तो हमारा देखिए यहाँ पे लास्ट बचा है पेन, वन भी हमारा हो गया था, लास्ट है पेन, तो यहाँ जाएगा ई, पी ई एन, पेन। तो हमारे वर्ड्स क्या क्या बन गए, बैट, आंट, टैप, पेन और वन। तो बच्चों आपको चेक करना है, ये काम आपने इसी तरह किया है। तब तक के लिए बाय, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ।